अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मैम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है कोई डिश विश का, मतलब मैं आज बना रही हूँ एक डिश। वाओ, मतलब अब क्या बनाए ये पता नहीं है, लेकिन डिश में सिर्फ होने चाहिए, नहीं डिश में बनाती हूँ पास्ता। तो पास्ता नहीं, नहीं मैक्रोनी जो होती है ना वो बनाते हैं हम, और फिर चेक कराएंगे घर मम्मा को और हमारे को, उसको चेक कराएंगे, बाबा होंगे नहीं ना, बाबा खाते हैं। तो चलिए से मैं कहती हूँ बनाती हूँ। और अभी मैंने यहाँ से ब्लॉग किए, ब्लॉग को शुरू किया दूसरा ब्लॉग, और अब यहीं से दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक काम करते हैं, तो मैं बना रही हूँ बना लो, तो मैक्रोनी ही बना लो, मैं लेटी है ना उसके आहिस्ता बना लो। चलो बताती, तो पहले मैं बना के पता देखती हूँ कौन सी करना, पर ये वाली मैक्रोनी तो है यार, तो मैं पैकेट वाली यूज़ नहीं करती, मैं अपना मसाला यूज़ करती हूँ। मैं मसाले में यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मैं इस करूँगी क्या, इसके अंदर पानी भरती हूँ, पानी के अंदर हम ये डालेंगे, मैक्रोनी डालेंगे, मैक्रोनी के अंदर पानी के अंदर ऑयल और हल्का सा नमक डालेंगे, और फिर मैक्रोनी डालेंगे, और इसको ना 7 से 8 मिनट इसको हम वो कर लेंगे, क्या नाम है, बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो मैंने ऑयल और नमक दोनों डाल दिए हैं, ये देखिए। हाँ, तो मैं ये बता दूँ ऑयल क्यों डालते हैं, आप सोच रहे होंगे ऑयल अभी भी डालो, फिर रहने में भी डालो, है बता देती हूँ। ऑयल इसलिए डालते हैं क्योंकि मैक्रोनी जो होती है ना वो टूटे ना, और एक तो जो जम जाती है ना वो ना जम, है ना, तो इसका हम थोड़ा सा पानी गर्म होने देते हैं, और नमक जो इसमें वो आ जाता है ना थोड़ी जूसी नमक, सो कैसे बताऊँ, बस डालते हैं ना, बस काफ़ी डाल दो, बस मैं जैसे बता रही हूँ बस वैसा करें। बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं, आप लोग पता नहीं कैसी बना, नहीं मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ वाकई में, अपनी तारीफ अपनी सुन। तो हम ये जो सारी है सारी डाल देंगे, आधा किलो है ये, पता नहीं आधा किलो है कि इतना पाव है, हमारे घर में 300 लोग हैं। तो मैं सारे डाल दूँ, निकल भी जाओ कहाँ अटक गई। तो ये देखिए, तब हम इसमें चमचे चला के रख देंगे, सही है चमच। हम चमचे चलाएंगे क्योंकि ये जो है ना पूरा आप कर देंगे, बस इसके बॉलने के बाद आपको मिलेंगे, सही है जाने के लिए। तो ये हो गए बॉयल, हम इसमें डालेंगे आलू, क्योंकि मुझे आलू अच्छे लगते हैं पुराने में, एक आलू छोटा सा जो बॉयल कर। अब हम निकालते पहले चिकन, चिकन काम किया चिकन काम किया सारे मैं मुझे एक छोड़ा है, मैंने क्या किया उसको चिकन का सारा बना लिया, मैं क्या करूँगा उसमें, बगैर चिकन की बनाई पड़ेगी। चलो सही है, मैं वेजिटेबल, हाँ वेजिटेबल डाल देती हूँ, जितनी भी पसंद डाल लें मुझे बहुत अच्छी लगा। तो मैं वेजिटेबल खाती हूँ उसमें, ना मैक्रोनी में, ना पास्ता में, ना नूडल्स में, ये सब मैं नहीं खाती। तो इसमें चुनी से प्याज लूँगी, सही बहुत अफसोस है मुझे, कोई बात नहीं, हमने बहुत दफ़ा बड़े चिकन भी खाए, चिकन खाते हैं क्या करेंगे, साथ सारे खाएंगे, हरी मिर्च लेंगे,
हरी मिर्च से आ गए टमाटर वाले भी राउंड के मामा का टमाटर जो है ना वो गले में लग जाता है इस तरह से। दो हरी मिर्च और बस पहले आलू वाले जो है, हाँ इसमें अगर आप वो करना चाहें इसको जमाना ना चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। देखिए इतनी मज़े की बनी है ये, मेरे हाथ में क्या लग गया यार, बहुत मज़े की हैं ये। हो तो उसको ज़्यादा बॉइल नहीं करेगा, हाँ 90% बॉइल करेगा उसको, क्योंकि क्योंकि टूट जाती है ना सर। आप चुके हैं फिर आप तो प्याज वगैरह काटते हैं फिर आप मिलते हैं जब तक आलू बॉयल हो जाते हैं छोटना सा ज़्यादा छोटना सा। तो प्याज और हरी मिर्च कट गई थी तो आज मैं क्या कर रही हूँ, हाँ आप लोग सोच रहे होंगे आज मुझे ये पास्ता बनाने का कैसे सूझा, मतलब तो मेरा दिल कर रहा था, मैं शॉर्ट्स देख रही थी, दिल भी कर रहा था मेरे शॉर्ट्स भी देख रही थी मैं छोड़ कोई बात नहीं, तो उसमें बना रहे थे तो थोड़ा मुझे भी शौक चढ़ा, वैसे मैं बनाती रहती हूँ लेकिन आज बहुत दिन हो गए ना इसलिए, तो इस वजह से इसलिए मुझे बनाने का शौक चढ़ा और मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ और गंदगी बहुत करती हूँ किचन में लेकिन मैंने अम्मा बोला माँ गंदगी नहीं करूँगी, डांट भी सुनने मिलती बेटा आप क्या सोच रहे हो आसान है क्या मम्मा की किचन में बनाना है आसान है नहीं ना, तो फिर तो अब हम करेंगे चिकन तो देंगे मकरानी हो गई आलू हो गए और हरी मिर्च वगैरह हो गया, आलू बस थोड़े से ही लेता बत्था हो तो जल्दी हो पत्ता तो मज़ा आएगा, डिश बनाएंगे बहुत मज़े की ओके। तो अब मैं क्या करूँगी ये हो गए देखिए हमें इसके छोटे छोटे ऐसे ऐसे पीस बना दिए पतले पतले लेकिन बहुत मज़ा आएगा मैं बनाऊँगी, मैं बहुत को बना चुकी लेकिन मुझे आज ज़्यादा जो खुशी हो रही है ना वो आज हो रही है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ व्लॉग के साथ बना रही हूँ। तो अब अपना लगाऊंगी क्या करना, सबसे पहले तो इसका चूल्हा चलाएंगे ओके, चूल्हा नहीं चलाएंगे तो फिर बनी कैसे बच्चे, अब ये जो माचिस नहीं बोली ना अब चलाने वाला सबसे मुश्किल काम, इसको मेरे को देखना बच्चे हुए देखना उसको डाले के ऊपर इसको हमने रखे और 1 2 3 ये नीचे पहुंच गई। तो चूल्हा वूल्हा जला लिया और ये भी हो गई, अभी दिखाया जबकि मैंने अब डालेंगे मक्खन, ऑयल नहीं मक्खन डाल क्योंकि यार आप बोल रहे हैं मक्खन कौन डालता है, मक्खन से जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मैं बोल रही हूँ तो एक दफ़ा मेरी जैसे बना के देखो प्लीज़ एक दफ़ा मेरी जैसे बना के देखो प्लीज़, इतना मक्खन डाल देंगे इसके अंदर, वाओ अब मक्खन तो हमने डाल दिया है, मक्खन के साथ हम मक्खन को कर देंगे मैं जल्दी जल्दी हो गया ना भाई और झाग आएंगे देखना ऐसे खुशबू आएगी मक्खन ही खुश जाएगी। अब आज मैं कर दूँगी सीरियस से कला, अब इसके अंदर डालेंगे हम लहसुन थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, फिर लहसुन का पेस्ट हो गया, अब जीरा मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है ना तो मैं इसलिए पाती हूँ, मम्मा जब बनाती है वो मुझसे पूछती हैं वो भूल गई है ना इसलिए वो जब भी बनाएगा तो मैं बनाऊँगी, और हल्का सा जीरा जीरा मुझे ज़्यादा पसंद है हल्का सा जीरा ओके, प्याज वगैरह भी डालेंगे अरे से हम डालेंगे प्याज ओके, पहले प्याज को धो लेते हैं भाई साहब और ये मैं बनाऊँगी मुझे तो बहुत मज़ा। तो चलो आज फिर ऐसा हो गया है
मैंने जो उसके ही जो पहले थे वो डाला है, सही है। नमक डालो ना प्लीज़, ओके। खुशबू बहुत अच्छा है, इतना सामान डालो, खुशबू आया है। वाह भाई, खुशबू ऐसी आ रही है ना, वैसे तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आप ये वाले सॉस और ये दोनों सॉस डालेंगे, जिसमें जो काला वाला है ये मुझे ज़्यादा पसंद है, बस ऐसे अच्छा काला वाला काला अच्छा लगता है, तो उसको हम डालेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। अब मैं आपको बोले ज़्यादा पसंद है और आप बोलने ज़्यादा हो गया। अब इसको डालेंगे, ये थोड़ा सा डालेंगे, ये बच्चे भी थोड़ा सा है, पता नहीं मैंने इसका नाम दिया है। चलो ये वाला भी हो गया। हाँ अब हम डालेंगे सिर्फ लाल मिर्च, छोटी मिर्च तो ज़्यादा बहुत तेज़ वाली है हमारे पास, थोड़ी सी डालेंगे बता रही हूँ मैं, फिर आप ज़्यादा डाल लेना, मतलब ये डालेंगे आधा चम्मच, सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, उसको हम करेंगे मिक्स मिक्स में। तो कुछ इसका ऐसा कलर आ गया है, कुछ अच्छी आ रही है लेकिन कलर अच्छी नहीं बदल रहा है। क्या डाल है मैं भूल गई, मैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। आगे मैं करवाने वाले का समय हम सारी मकरोनी डाल देंगे, हाथ धो लेना भाई, वरना तो ना जो हाथ से काम करते हैं ना तो हाथ धोने भी पड़ते हैं। तो ये सारी डाल दी, उसको रख देंगे हम इधर, इसको कर लेंगे, टूटा ना बस ये ख्याल रखेगा, अभी एक हाथ से करोगे तो टूट जाएंगे, तो मैं दोनों हाथ से इसको मिला के दिखाती हूँ। ओके वाओ वाओ वाओ, इतने मज़े की बनी है, वाओ। फिर मैं थोड़ा थोड़े स्पाइसी खाती हूँ ना, तो इस वजह से ये डालनी है बहुत तेज़ होती है वाली, आपके पास हल्की वाली तो आप इससे ज़्यादा डाल सकते हो। क्या उसको मिक्स कर लेंगे, तो ये बन गई है, बहुत मज़े बन रही है भाई, ये तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, मैं क्या बताऊँ आप, बस इसको हल्का सा तेज़ करेंगे, चूड़ा हल्का सा, लेकिन बहुत तेज़ नहीं, प्लीज़ वरना जल जाएगी, फिर बोला ही जल गई है। अब हम क्या करेंगे, हम बस इसको टेस्ट करवाएंगे मम्मा से, और प्लेट में सर्व करेंगे। ओके चूड़ा बंद कर देंगे, तो हम इसको करेंगे प्लेट में सर्व। बहुत मजे की लग रही है भाई साहब, तो चेक करवाते हैं, रुको आओ यहाँ बैठो, हम कराएंगे भी स्माइल को चेक, आओ जल्दी, ये मैंने बनाई है भाई, आओ ना चेक करो, तो करो गई, तो ये टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। तुम टेस्ट करो बताओ ये कैसी बनी है, कैसी बनी है, बहुत मज़े की, वे सही सही बताओ ना जी, ये वाकई में है बहुत मज़े की है। अब ये तुम खाओ और चलो मैं भी खाती हूँ, मैं भी चेक करती हूँ मम्मा, तो मम्मा को पहले चेक करवा देंगे,
हम घर बोलेंगे छी मैं ना, मम्मा को भी खा देंगे और खुद भी खाएंगे। ओके पहले अपने लिए निकाल लेते हैं मम्मा के। ओके काम करते हैं और हम खा के देखते हैं कैसी बनी है। मम्मा को मैंने खिलाई और उसका तेल भी लेना भूल गई। मम्मा तो बोलती हूँ बहुत मज़ी बनी है, तो मैं खा के चेक करती हूँ कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम ये यकीन भी नहीं आ रहा जिसमें आलू डाले ना अंडे हुआ है मैं तुम्हारे और ले लो ले लो बहुत मजे की बनी है। वाओ यार आओ ले लो और थोड़ा सा खाती है क्योंकि मैंने बनाई है। मुझे वाकई में यकीन नहीं आ रहा है मैंने बनाई है। मैं पास हो गई। वाह तो यार जल्दी से इसको खाते हैं। ओके और फिर उसके बाद बस तो ये मैंने बहुत मज़े की बनाई बहुत ज़्यादा। ओके तो अब व्लॉग को जो यहीं से एंड कर देते हैं। देसी बनाई थी बस व्लॉग करते हैं यहीं से एंड। अगर मेरी डिश और मेरा व्लॉग पसंद आया हो अगर मैं भी पसंद हुआ आपको तो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें शेयर कर दें बेल आइकन ऑन करना ना भूलेगा। और ये जो मैंने बनाई है इस रेसिपी को प्लीज़ फॉलो एक दफ़ा करके देखिएगा प्लीज़। बहुत मज़े बनी है वाकई में। और ये जो मक्खन डाला है ना अंतिक हो गई। वाओ तो बाय बाय।